हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेंट ब्लॉग में। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों बात करेंगे आज एशियन पेंट के यूनिवर्सल स्टेनर के बारे में। तो दोस्तों ये उसका सेट कार्ड है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो दोस्तों इस सेट कार्ड को हम आज खुल के आपको इसकी शेड्स के बारे में बताएंगे, ठीक है, और इस पर डायरेक्शन दे रखें उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों ये अंदर की तरफ इसमें शेड दे रखी है, ये 12 तरह की शेड है, और पीछे इसके डायरेक्शन वगैरह दे रखे हैं। तो हम एक तरफ से पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि यह प्लास्टिक इमल्सन, एनेमल और ऑयल पेंट और डिस्टेंपर में इनका हम यूज कर सकते हैं। ग्लास और मेट फिनिश दोनों में यूज कर सकते हैं, और इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों जगह पर हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और कुछ जगह ये यूज नहीं होता, क्लोरिनेटेड रबर पेंट में इसका यूज नहीं हो सकता, और एपॉक्सी कलर होते हैं उनमें भी नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे दे रखा है बेस पेंट के बारे में। तो यहाँ पे ऑयल के बेस पेंट में, डिस्टेंपर के बेस पेंट में और इमल्सन के बेस पेंट में ही इनका यूज होता है, और ये 12 अट्रैक्टिव शेड में मिल जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे इसके प्रोसेस के बारे में लिखा हुआ है किस तरह यूज करना है। तो यहाँ पे इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी में, तो हम हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है। पहले में लिखा हुआ है कि ये वाइट बेस में यूज होता है, ठीक है। दूसरे में लिखा हुआ है कि ये पतला करने से पहले इसको मिलाना होता है। तीसरे में लिखा हुआ है आप इसे मिलाने के बाद अच्छी तरह से घोल लें। चौथे में लिखा हुआ है कि आप 5% से ज़्यादा स्टेनर का यूज ना करें। और पाँचवें में लिखा हुआ है कि आप हो सके तो आप सेम कंपनी का स्टेनर वो बेस पेंट यूज करें। और छठवें में लिखा हुआ है कि अगर आप दूसरी कंपनी का यूज कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पेंट के अंदर, जिससे कलर आप देख सकते हैं किस तरह से आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये पीछे की तरफ से मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं इसमें शेड कार्ड को दिखाता हूँ अंदर। यहाँ पे शेड दे रखी है दोस्तों, देखिए आप यहाँ पर लिखा है फास्ट येलो, ये है येलो ऑक्साइड। यहाँ 12 तरह की शेड दे रखी है, और ये है येलो ग्रीन, ये है फास्ट ग्रीन, ये है ब्रेंट सेनिया, ये है टर्की अम्बर, ठीक है दोस्तों। और ये है रेड ऑक्साइड, ये है फास्ट रेड, ये है फास्ट ब्लू, ये फास्ट वॉयलेट, ये ब्लैक है, और ये ऑरेंज है। ये देख सकते हैं आप 12 तरह की शेड है पूरी। ये इनका रेशियो दे रखा है कि 5% इसका यूज करेंगे तो आप ये कलर पाएंगे, और 1% करेंगे तो ये, ठीक है। जैसे 20 लीटर का है तो उसमें 5% मिलाएंगे तो ये मिलेगा, और 1% मिलाएंगे तो ऐसे मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये 100% जो होता है, जो इसमें लिखा हुआ मास्टोन, तो ये मास्टोन वो होता है जो ओरिजिनल कलर जो इसके अंदर निकलेगा स्टेनर के अंदर। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये रिड्यूस टोन है कि आप 5 के अनुपात में मिलाएंगे तो आप इस तरह का कलर पाएंगे। और ये है लास्ट में, ये तो एक सिंपल देने के लिए दे रखा है, सबसे हल्का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फास्ट येलो, अगर आप इसको 5 के अनुपात में मिलाएंगे तो वो मिलेगा, 1 के अनुपात में मिलाएंगे तो ऐसे मिलेगा कलर आपको, ये तरह की शीट मिलेगी। ये रेड ऑक्साइड की शीट दी रखी है, यहाँ पे येलो ऑक्साइड है जो धीरे धीरे क्रीम जैसा हो जाता है, लोग इसका यूज करते हैं। और ये फास्ट रेड है, ये पिंक भी बना देता है नीचे, और इससे फिर और हल्का हो जाता है, ठीक है दोस्तों। बस अनुपात का आपको याद रखना होगा। ये फास्ट येलो ग्रीन है, जो येलो ग्रीन आपको तोते जैसा कलर बना कर देता है, लोग बहुत मांगते हैं क्रिस्टल ग्रीन जैसा। यहाँ नीचे फास्ट ब्लू है, ये ओरिजिनल कलर दे रखे हैं ऊपर सबसे पहली लाइन में, दूसरी में 5% और तीसरी में 1% के हिसाब से दे रखा है। ये देखिए आप फास्ट ग्रीन से आप इस तरह के शेड बना सकते हैं, और वॉलेट से आप इस तरह के शेड बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखे हैं, पहले सबसे पहली लाइन में तो यही है कि ओरिजिनल जो स्टेनर निकलेगा वो ऐसा निकलेगा, उसके बाद आप इस तरह की शेड ला सकते हैं। ये चॉकलेट मुझे नीचे ग्रे जैसा हो जाता है, ब्लैक वगैरह कम डालेंगे तो। और ये ऊपर देखिए आप, ये चॉकलेटी जैसा कलर दे देता है, टर्की अंबर, ये काफी
अच्छा लुक देता है दोस्तों, क्लासी लुक देता है टर्की अंबर और पैटसन में। और नीचे देखिए आप, ये ऑरेंज है, इस तरह की शेड आपको दे देंगे, ठीक है। तो आप बस उसका ध्यान रख सकते हैं, इससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने शेड काट कर जो दे रखा है। हाँ, 5% से ज़्यादा मत डालिएगा उसके अंदर, बेस पेंट के अंदर। और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, जिससे आप देख सकते हैं किससे क्या बनेगा। देखिए मैं अच्छे से कर देता हूँ, ले सकते हैं आप, अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। ये इसका शेड काट के मैंने दोनों तरफ से आपको दिखा दिया अच्छे से, पर यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। और एक वीडियो मैंने स्टेनर पर बना रखी है, वो आप आई बटन में दे रखी है, उसके आप वहाँ पे जाके स्टेनर के बारे में देख सकते हो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।